जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपी फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स। आज हम लोग अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। तो पहले हम योग के बारे में जान लेते हैं। योग आत्मा से परमात्मा का मिलन, जो हम कहते हैं कि पुराने टाइम में सब लोग योग करते थे, और आज के टाइम में इतना योग को प्रमोट किया जा रहा है ताकि हम अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर सकें और आत्मा से परमात्मा का मिलन हो सके। तो योग के अंदर आज हम लोग अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इसमें जो ये जैसे आपके वो डायग्राम दिख रहा होगा, एक फोटो दिख रही है जिसमें प्राणायाम, आसन, यम, नियम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि दिया गया है। अब इसकी जो सीरीज है, यानी कि कैसे एक लाइन में कैसे हैं, किस अकॉर्डिंग, किसके बाद क्या है, क्रम अनुसार जो अष्टांग योग हैं 8 प्रकार के, वो हम आपको बता रहे हैं। पहले नंबर पे यम, दूसरे नंबर पे नियम, तीसरे नंबर पे आसन, चौथे नंबर पे प्राणायाम, पांचवें नंबर पे प्रत्याहार, छठे नंबर पर ध्यान, सातवें नंबर पर धारणा, आठवें नंबर पर समाधि। यही हमारा सीक्वेंस है अष्टांग योग का। अब हम यम के बारे में जानेंगे। यम का मूल अर्थ होता है नैतिकता। इसका पालन करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य होता है। यदि कोई इसका पालन नहीं करता है, तो वह खुद और समाज पर दुष्प्रभाव डालता है। यम के 5 उप अंग होते हैं, यानी कि यम के अंदर सब टाइप्स जो हैं यम के, वो हैं 5 टाइप्स के। तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्ते, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है अपरिग्रह। अब हम इनके जो यम के सब टाइप्स हैं उनके बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ शारीरिक हिंसा से नहीं, बल्कि किसी साधक को अपने शब्दों, विचारों और कर्मों से किसी को हानि नहीं पहुंचाए। हम लोग बोलते हैं कि जैसे अहिंसा का मतलब हमें किसी को फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कुछ बोल दें किसी को और उसे बुरा लग जाए, वो भी अहिंसा के अंदर ही आता है। इसलिए हमें ये भी नहीं करना चाहिए। फिजिकली तो हम ना ही करें, मेंटली भी किसी को हम ना परेशान करें। सत्य मतलब ट्रुथ। कटु सत्य का पालन करना ही सत्य है, यानी कि जो यानी व्यक्तियों को अपने विचारों में सत्यता, मन में सत्यता और जीवन में सत्यता को उतारना ही सत्य के अंग पर खरा उतरना, खरा उतर पाया जाता है। यानी कि जो हम कहते हैं कि हमें सही मतलब सही सच सच बोलना चाहिए, तो उसमें होता है कि हम कुछ भी हो पर सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अस्ते। अस्ते पर उतरने वाला व्यक्ति चोर प्रवृत्ति से दूर रहता है, यानी चोरों की श्रेणी में आने से खुद को बचाता है। वह किसी प्रकार की वस्तु, धन संपत्ति आदि की चोरी नहीं करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपनी इंद्रियों को वश में करके मोह त्यागने से है, यानी जिन चीजों में आप कंफर्टेबल हैं उन सभी
चीज़ों को त्यागना पड़ता है, यानी कि ज़िंदगी में आप जो भी चीज़ें, यानी कि अपने रिलैक्स, मतलब रिलैक्स के लिए आप बहुत सारी चीज़ें, मशीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो सब कुछ आपको जो आपको कंफर्टेबल रहता है, यानी कि जिनसे आपको आराम मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको ब्रह्मचर्य के अंदर छोड़नी पड़ती हैं, इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ता है, वो पड़ता है। जैसे कि ये नहीं कि आपको कुछ भी मन कर रहा है, आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब चीज़ें हमें त्यागनी पड़ती, मतलब अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है इसके अंदर। परिग्रह, यम के अंतिम उपअंग में यह कहा जाता है कि आवश्यकताओं से अधिक कामना नहीं करनी चाहिए, जैसे धन संपत्ति का लोभ। इन सभी पांचों उपअंगों को जीवन में उतारना ही अष्टांग योग का पहला चरण पूरा होता है। जैसे कि इसमें अब परिग्रह में बताया गया कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लोभ यानी कि नहीं करना चाहिए ज़्यादा धन संपत्ति का और बहुत अधिक भोजन का, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें लालच नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो क्या होता है, हमारा अष्टांग योग, यानी कि अष्टांग योग में पहला चरण यानी कि यम यम पूरा होता है। अब अपने दूसरे योग पे आते हैं, अष्टांग योग पे आते हैं, वो है नियम। अष्टांग योग का दूसरा ये अंग नियम है। नियमानुसार ही जीवन में सारे कार्य पूरे किए जाने चाहिए, तभी अष्टांग योग के दूसरे चरण को पूरा किया जा सकता है। नियम के पांच उपअंग बताए गए हैं, तो नियम के भी सब टाइप्स हैं। तो इसमें पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय, पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। अब हम इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि ये क्या है। शौच तन मन और आत्मा की पवित्रता से है। हम लोग बोलते हैं कि हम अपने, जैसे कि हम प्रॉपर फ्रेश नहीं होते हैं तो क्या होता है, हम अंदर से परेशान होते हैं, बॉडी को हम प्रॉपर रेस्ट में नहीं होते और हमें बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं। जब हम इंटरनली ही ठीक नहीं होंगे, यानी कि अंदर से ही सही नहीं होंगे, तो हम अपने मेंटल और फिजिकल दोनों पे हमारा फ़र्क पड़ेगा उन चीज़ों का। अब आता है संतोष। संतुष्ट संतोषजनक मन और शरीर की प्रसन्नता से है। संतोषजनक का मतलब हम हर चीज़ में ज़्यादा अधिक ये सब चीज़ें नहीं सोचकर कि जितना मिला है हम उतने में ही जब खुश होते हैं, तब हम उस हमें उस पर प्रॉपर हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है और हम अपने आप में वो संतोष, एक जो एक सीमा होती है उसमें अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लिमिट में। तो उसके बारे में तप, संतुष्ट संतोषजनक मन और शरीर की प्रसन्नता से। तप में भी हम क्या बोलते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करते हैं और तप करते हैं, यानी कि एक्टिविटी करते हैं। स्वाध्याय, खुद को पहचानना, मन में झांकना और आत्मचिंतन करने से है। जैसे कि हम अपने मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो अपने मन में सोचते हैं कि हाँ, हम अपने को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आत्मचिंतन, हमने आज क्या किया, हम क्या करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं और खुद को जानने की कोशिश करते हैं स्वाध्याय के अंदर। अब हमारा पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर के प्रति प्रेम, लगाव व श्रद्धा से है। ईश्वर प्राणिधान में सिर्फ ईश्वर से, जो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, यानी कि हम प्रे करते हैं लगाव और श्रद्धा, ऐसा नहीं उस पे अंधविश्वास होना चाहिए। एक जो विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक जो लिमिट होती है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हमें विश्वास, कुछ हद तक ही विश्वास करना चाहिए, उसे अंधविश्वास में नहीं बदलना चाहिए। अभी तक हम नियम के पांच टाइप पढ़ रहे थे, अब हम आसन के बारे में पढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि द्वारा स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा जाता है।
इसमें बिना किसी हलचल या हिले डुले एक ही स्थिति को बनाए रखना ही आसन कहलाता है। तभी तो इस आसन को महर्षि पतंजलि द्वारा स्थिर सुख सुखमासन का नाम दिया गया है। जैसे कि हम आसन का मतलब ये होता है एक पोज, एक करेक्ट पोस्चर में बैठना, योग करना। जब हम एक करेक्ट पोस्चर में नहीं बैठकर कोई भी वर्क करते तो हमारा बॉडी पोस्चर मतलब बैड हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आसन का पहला मतलब यही है कि आपको अपने पोस्चर को करेक्ट करना है, सही करना है, तभी आप आगे कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके लिए आप पद्मासन, सुखासन या ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। जब हम कोई आसन बैठ कर करते हैं तो उसमें पहले तो पद्मासन जो एक बेस्ट होता है उसको करना चाहिए, अपने दोनों पैरों को मोड़ करके जांघ के ऊपर रखते हैं। सुखासन में जब हम पद्मासन में, बहुत सारे लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो उनके लिए बोल जाता है सुखासन में, यानी कि एक पैर को आप ऊपर रख लें और एक पैर को नीचे रख सकते हैं, दोनों पैर को थाई पे रखने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है सुखासन। और ज्ञान की मुद्रा में हमें अपने अंगूठे को छोटी वाली उंगली से टच कराना होता है और बैठना होता है, उसको हथेली को अपने नी के पास रखना होता है। यह आसन मन की गहराई तथा अपने आप को पहचानने का जरिया है। इससे मन शांत तथा ऊर्जा का संचार होता है। तभी तो यह अष्टांग योग के नियम के उप अंग, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को समझाने का तरीका है। जैसे कि अभी बताया गया, यह आसन मन की गहराई, मतलब हम जब पोस्चर में बैठेंगे तभी हम आगे कोई एक्टिविटी कर पाएंगे, हमारा जो मन है वो शांत हो पाएगा और शरीर में ऊर्जा होगी। ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर बोल सकते हैं, हमारे अंदर होगा। अब हम अष्टांग योग में चौथे यानी कि प्राणायाम के बारे में जानेंगे। प्राणायाम का सीधा मतलब है कि ब्रीथिंग कंट्रोल, ब्रीथिंग कंट्रोल, अपनी सांसों को कैसे लेना है, कैसे निकालना है उसके बारे में। यह सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है जिससे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम कुछ ऐसे ही प्राणायाम हैं जिसमें सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह मन की चंचलता और अशांत जीवन पर विजय पाने का मार्ग है। जैसे बोलते हैं कि प्राणायाम में मेन तो ये होता है कि हम कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं। इसे हम सांस लेने को इनहेल और छोड़ने को एक्सहेल बोलते हैं। और इसमें भी तीन टाइप से सांस लेते हैं। जैसे सांस लेने का मतलब जो एक प्रोसेस है उसके बारे में बता रहे हैं। इनहेल, पहले हमने सांस ली। होल्डिंग, हमने सांस रोकी, फिर हमने सांस छोड़ दी, एक्सहेल। इसको हिंदी में इनहेल को इनहेल मतलब इनहेल, होल्डिंग और एक्सहेल होता है। और हिंदी में पूरक, रेचक और कुंभक होता है। जो जो एक्टिविटी करते हैं प्राणायाम वो इन्हीं के अंतर्गत करते हैं, लेना, रोकना और छोड़ना। अब हम प्रत्याहार के बारे में जानेंगे। प्रत्याहार सांसारिक मोह माया सुख दुख को त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करना ही प्रत्याहार है। मतलब हमें बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम एकदम नॉर्मल, एकदम हर चीज़ को छोड़ देते हैं, यानी कि त्याग कर देते हैं और अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, उसको प्रत्याहार कहते हैं। इसके द्वारा इंद्रियों को वश में किया जाता है और पूरे शरीर पर विजय पा ली जाती है। तभी तो ऋषियों तथा महाऋषियों ने कहा है, अपनी सभी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन को एकाग्र करना ही प्रत्याहार है। यानी कि बाकी बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हम अपनी सारी मतलब अपना ध्यान सिर्फ
एक जगह पे केंद्रित करते हैं तो हम प्रत्याहार कर रहे होते हैं। और इसका अष्टांग योग का छठा है धारणा। अष्टांग योग के पहले पांचों अंगों को पूरा करने के बाद धारणा की बारी आती है। इसमें साधक को माइंड को कंट्रोल करते हुए अपने लक्ष्य गोल की प्राप्ति पर ध्यान लगाना पड़ता है, चाहे फिर वो ईश्वर प्राप्ति की राह हो या जीवन की उन तमाम लक्ष्यों की तरफ उनको वह पूरा करना चाहता है। जैसे कि हम धारणा, एक प्रॉपर पोज में बैठना और सिर्फ हर चीज़ जो माइंड है अपना कंट्रोल में रखना और सिर्फ एक ही चीज़ अपना जो मेन एम है उसको सोचना, इधर उधर ध्यान ना भटकाना। तो जब हम प्रत्याहार करते हैं, जैसे लास्ट स्टेज तब इससे पहले प्रत्याहार, उसके बाद हम धारणा करते हैं, माइंड को अपना कंट्रोल करते हैं, जो मेन एम है उस पर फोकस करते हैं। अब हमारा इसके बाद जब हम धारणा यानी कि बैठ जाते हैं एक प्रॉपर उसमें कि हम एकदम कंट्रोल कर चुके हैं, उसके बाद हम ध्यान करते हैं। अब ध्यान में क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी की और मन को स्थिर रखना ही ध्यान है। मतलब एकदम मन को कंट्रोल कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। जब साधक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। किसी चीज़ से कोई मतलब, सिर्फ जो मेन एम है उस पर फोकस करते हैं उसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान को इस तरह से समझा जा सकता है कि मन को एक ही दिशा में लगाना ही ध्यान है। जैसे कोई भी एक्टिविटी करें तो पर्टिकुलर एक ही एक्टिविटी पे अच्छे से ध्यान लगाएं, बाकी मतलब चार पांच चीज़ों पे ध्यान ना लगाएं, तो उससे क्या होता है मन डाइवर्ट होता है और काम अच्छे से नहीं हो पाता है। चाहे फिर वो लक्ष्यों की प्राप्ति हो, अशांत जीवन को शांत करना हो, या जीवन को स्थिर रखना ही क्यों ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ही काम पर फोकस करें, ऐसा नहीं कि एक टाइम पर बहुत सारे काम पर फोकस कर रहे हो आप, तो उससे क्या होगा आपका ध्यान भटक जाएगा, यानी कि इधर उधर आप में को डिस्टर्बेंस हो जाएगी, टेंशन हो सकती है और आप अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है समाधि। ये हमारी लास्ट स्टेज है समाधि, जिसके बाद हमारा अष्टांग योग पूर्ण होता है। तो पहले हम समाधि के बारे में जान लेते हैं। समाधि का अर्थ है शून्य, यानी अब कुछ बाकी नहीं है। जब ध्यान की स्थिति में मन और शरीर शून्य की अवस्था में आ जाते हैं तो उसे समाधि कहते हैं। यह आत्मा से परमात्मा के मिलन का रास्ता है। समाधि, समाधि में लोग, जैसे पहले साधु महात्मा लोग होते थे, वो काफ़ी टाइम तक एक ही मतलब पोज में बैठे रहते थे ध्यान लगाकर। और उसमें वो जैसे लास्ट में बोला गया आत्मा से परमात्मा का मिलन, तो पहले के टाइम में लोग समाधि में ही बैठ जाते थे और बहुत दिनों तक ध्यान करते करते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। इसमें जैसे ये करना बहुत ही मुश्किल है, कोई भी जो साधक है यानी कि जो भी कर रहा है एक्टिविटी, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज के टाइम में समाधि लेना इतना आसान नहीं है और हम लोग ये चीज़ कर भी नहीं सकते इतनी आसानी से, क्योंकि क्योंकि हम लोग चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इधर उधर फोकस नहीं करते और डिस्टर्ब रहते हैं पूरा टाइम। इसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है कि हम अपने आप को एकदम कंट्रोल कर लें, अपने माइंड को, अपनी एक्टिविटीज़ को। तो इसका मतलब यही है, जब मन और शरीर शांत हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य की अवस्था में, तो उसे समाधि कहते हैं। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।